तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? तो आप सभी का हमारे जसवीर प्लम्बर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी को पता है हमारे प्लम्बर चैनल पर प्लम्बर से रिलेटिव वीडियो पर वीक के हिसाब से आती रहती हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी हम ट्रिक दिखलाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप समझ ही होंगे थंबनेल देखकर किस टॉपिक पर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी देख रहे हैं यह है कनेक्शन जो कि एक मेन लाइन से होता है। और दोस्तों बारिश काफ़ी तेज़ पड़ रही है तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक गली है, यहाँ पर बाइक किसी ने खड़ी कर दी, तो यहाँ पर प्लास्टिक का पाइप था और लगता है कहीं ना कहीं हमें वो जड़ से टूट गया है। और आज हम इसको ठीक करेंगे और इस वीडियो में काफ़ी चीज़ कवर करेंगे किस प्रकार से गीली मिट्टी होती है और एक प्लम्बर भाई को कितनी मेहनत करने पड़ती है। तो देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले हमने इसको गड्ढे को धीरे धीरे गीली मिट्टी पूरी निकाली है। बहुत ही वजन होता है गीली मिट्टी में और हम इस काम को कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कनेक्शन के सारे सारे हम नीचे गए हैं और देख सकते हैं यहाँ पर पानी बह रहा है। अभी क्लियर पता नहीं लग रहा है कहाँ से पानी आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमें एक डार्ट दिखी है, उसको हम सिलाई रिंच से खोल लेते हैं अगर खुल जाती है, नहीं तो कुछ और भी है हमारे पास, हर ऑप्शन है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, हम इसको करेंगे काम को। और दोस्तों इसमें डबल मेहनत होती है, हमसे देख सकते हैं मिट्टी बार बार गिर रही है तो और पानी भी बार बार निकालना पड़ रहा है हमें लगातार। दोस्तों देख सकते हैं कितनी मेहनत करके ये मिट्टी हमने निकाली होगी आप सभी, क्योंकि दोस्तों जितना टाइम लगता है हम पूरी वीडियो में तो हम नहीं दिखला सकते, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने काफ़ी चीज़ कटिंग करी है। और हमें दोस्तों मैं भी मतलब कैमरा चला रहा हूँ बीच बीच में और मैं काम भी करवा रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ, और अभी मैं आपको लास्ट में अपना फेस भी दिखलाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे छोटे भाई हैं, ये भी हमारे साथ लगे पड़े हैं क्योंकि हमारे हाथ पे जिम्मेवारी है पूरे घर की, तो इसी प्रकार से हम मेहनत करते रहते हैं। देख सकते हैं गाइस पानी काफ़ी गंदा है और हम मिट्टी का पानी है और हम पूरे, बारिश भी पड़ रही है तो गंदे हो चुके हैं। देख सकते हैं पानी बार बार निकालने पड़ रहा है और फिर मिट्टी भी निकालने पड़ रही है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें प्लम्बर भाई को। तो दोस्तों आप सभी जो भी कोई मजदूरी करता है उन भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देख सकते हैं गाइस एक इंची की टी दिख गई है हमें ये, और ये अभी पता लगता है गाइस यहाँ पर एम्प्टी लग रहा था और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रैक हो गया है पूरा, क्योंकि ऐसा जैसे पानी आ रहा है ऐसे होता नहीं है। तो अभी दिखलाता हूँ मैं आपको कहाँ से कैसे टूटा है और सिलाई रिंच से देखते हैं ये खुली है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता ये सिलाई रिंच से खुल जाएगा क्योंकि देख सकते हैं स्लिप हो रहा है सिलाई रिंच। कोई नहीं, कोशिश ये है कि हम टी को पूरा हटा देंगे, थोड़ा देख लेते हैं अगर काम कर जाएगी, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। दोस्तों एक इंची की टी है, एक वही आधे की, और पानी देख सकते हैं कितना बर्बाद हो रहा है। और आप सभी जानते हैं आपके आसपास भी ऐसे वाटर कनेक्शन करवा रखे होंगे लोगों ने, और गलियों में पानी काफ़ी बह रहा होता है, लोग पानी तो इनका ठीक आ रहा था लेकिन जो ये पानी बह रहा है वो गलत है, और काफ़ी लोग मतलब नालियों में बह रहा था, ये साफ पानी एक तरह से मिट्टी में मिक्स हो रहा है तो इसलिए आपको गंदा लग रहा है। दोस्तों पानी की बर्बादी तो है ही, नालियों के सहारे बह जा रहा है पानी, और आप सभी को पता है वाटर लेवल दिन पे दिन नीचे जा रहा है, समरसेबल का जो घरों में समरसेबल होती है, तो ये मेन लाइन का पानी है। तो अभी हमने इसको देख सकते हैं वो अलग कर दिया है और इसे कपड़े से और पेचकस से बंद करते हैं और फिर हम इसको घुमाएंगे और इसको हम नया तरीके से फिट करेंगे। पहले पानी भर गया, पानी निकाल लेते हैं, बार बार दोस्तों डबल मेहनत पड़ रही है, हमें पानी निकाल लिया है। दोस्तों आप जहाँ कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं आप सभी के आसपास जो भी भाई रहते हैं उनके बीच हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में और हमारा मेहनत का भी काम है, तो आप सभी हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और बाकी हमारा मोबाइल नंबर है, आप किसी भाई को अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए 9560514904, रोहित नाम है, एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी आपको दिक्कत है कहीं से भी तो आप हमसे रिलेटिव अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पानी तो बंद कर दिया है क्योंकि वाटर वेस्ट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा ही,
इसमें अभी ये लगातार हमें 3 घंटे हो गए हैं मेहनत करते करते, और यही अगर लीकेज नहीं कर रहा होता तो 2 से 2.5 घंटे में फिक्स हो जाता है काम जो भी फाइनल होता है, लेकिन आज ज़्यादा ही मेहनत हो गई है और कार सारे कपड़े सन चुके हैं, देख सकते हैं। मुझे लगता है इसमें दूसरा कनेक्शन भी लीकेज कर रहा है, वो वाला तो मैंने आपको दिखला दिया। इस गड्ढे में 2 जगह से पानी आ रहा है, अभी दूसरी जगह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से आ रहा है, ये किसी का पुराना कनेक्शन है, देख सकते हैं। ये तो आपका ये वाला मैंने आपको दिखला दिया, एक जगह से पानी और आ रहा है, एक मिनट, ये इधर से चल रहा है, पानी हिल रहा है ना, तो कन्फर्म है पानी एक जगह से और आ रहा है। तो दोस्तों ये था दूसरी जगह से जहाँ से पानी आ रहा था, देख सकते हैं गाइस, एक ये है और एक वो। तो अभी हम उस वाले पे नया क्लंप बांधेंगे, क्योंकि दोस्तों उसकी पत्ती गल चुकी थी कनेक्शन की और ये किसी और का है, लेकिन सबसे ज़्यादा उस वाले काम में मेहनत होगी। ये हमारा वो वाला है जिसका एमटी टूट गया था। इस गड्ढे में 2 कनेक्शन है जो हमें अब फिक्स करना पड़ेंगे जब जाके पानी को हम बंद कर पाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारी हालत कैसी हो गई है पूरे कपड़े गंदे हो गए हैं। तो आप एक लाइक तो ज़रूर कर दें वीडियो को, हम रेंज से इसको फिक्स कर देते हैं। 1 इंची का एमटी और बुश के साथ हमने 1.5 इंची में कन्वर्ट करके इसको अच्छे से फिट कर दिया है, क्योंकि अब हमने टी हटा दी है, डायरेक्ट इसको हम फिट कर रहे हैं। दोस्तों क्या होता है, पानी का कनेक्शन करवा लीजिए लेकिन कोई भी सामान जो होता है वो लोकल ना लगवाएं, विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये गड्ढे का काम होता है और ये लोकल के वजह से ही टूटा है। आप सभी को मैं बता देता हूँ, ये लोकल काम करवाने के वजह से ही टूटा है, और फ़िलहाल में हमने इसको हैंड कैप से बंद कर दिया है ताकि पानी वेस्ट ना हो, और अब हमारा ये वाला प्रोसेस है, हम इसको भी करेंगे। अभी हमने इसमें GI का 1/2 इंची का निप्पल लगा के पानी को बंद कर रखा है, क्योंकि मुझे इसके आसपास जगह बनाने पड़ेगी और क्लंप को हमें फिट करना पड़ेगा। तो ये मेरे हाथ में 3x1 का क्लंप है, और ये स्लीपर की पैकिंग भी लगा रखी है मैंने इसमें, और देख सकते हैं पानी काफ़ी तेज़ है, और ये स्लीपर देख सकते हैं गाइस, बहुत ही मुश्किल होता है चलते पानी पर क्लंप को बांधना, और लेकिन मैं इस काम को करूँगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और पानी पूरा भर जाएगा गड्ढे में निश्चित है, और क्लंप नहीं बंध पाएगी, 3-4 बार पानी भर जाएगा फिर जाके बहुत ही मुश्किल में बांधी जाएगी। देख सकते हैं पानी बहुत ही तेज़ है, देख सकते हैं गाइस। अभी फ़िलहाल में पहले पानी को बंद करते हैं, नहीं तो गड्ढा जल्दी से भर जाएगा और बार बार पानी निकालना पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है इस काम में, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन गाइस उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लो एरिया आ जाता है, इसलिए गाइस आप सभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और हमारी वीडियो को तो आप सभी को पता है, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और काफ़ी अच्छी अच्छी हम वीडियो डालते रहते हैं प्लम्बर से रिलेटिव वर्क की, ब्लॉकेज पाइप की, और भी काफ़ी चीज़ होती हैं सीट की। तो आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो को देखना चाहते हैं हमारे चैनल को पे सब्सक्राइब करें, और चैनल पे कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और कोई भी रेट वगैरह में पता करना है तो हमें आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। आप कहीं जहाँ जहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों पानी तो थोड़ा बहुत बंद कर दिया है, अभी फ़िलहाल में कन्फर्म ये नहीं है कि क्लंप पूरा कसा है या नहीं, तो गाइस पानी को पूरा निकालेंगे हम, और 14-15 की चाबी से क्लंप को अच्छे से कसेंगे। और दोस्तों विशेष ध्यान रखें गड्ढा बंद करने से पहले पानी बंद हुआ है नहीं, क्योंकि गाइस अभी बारिश आ गई है तो मैं आपको वो सीन नहीं दिखला पाऊँगा, क्योंकि पूरा मोबाइल गीला हो चुका है। तो दोस्तों गड्ढा बंद करने से पहले अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है अगर मोबाइल लगाऊँगा तो मेरा मोबाइल का भी नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं बार बार आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा ही मेहनत होती है हमारे काम में, बहुत ज़्यादा ही, देख सकते हैं गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं रोहित हूँ, और दोस्तों देख सकते हैं चौदह पंद्रह की चाबी, पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, और अभी मेरा छोटा भाई था और वो भी पूरा गंदा ही हो चुका है। दोस्तों बहुत
मेहनत है। हमारे कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। और एक हम एक मिडिल क्लास के लोग हैं और मिडिल क्लास से ही हम रहने वाले हैं, मतलब हमारा किराए पर घर है। तो आप सभी हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे चैनल पर भी अपना प्यार बनाए रखें। ऐसे ही हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे आप सभी के प्यार के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद, पूरी आपने वीडियो देखी और ये कनेक्शन हमने सक्सेसफुल कर दिया है और आगे से इस कनेक्शन के पास से पानी नहीं बहेगा। तो आप सभी को हमारी कैसी वीडियो लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को